अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बना रहे हैं कीमा भरे करेले। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेलों को पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद छील लेंगे। करेलों को हमने अच्छी तरह से छील लिया है और इनके बीज भी निकाल दिए हैं। अब हम इन करेलों को अच्छी तरह से नमक लगा के 4 घंटे के लिए रख देंगे। नमक करेलों में इसलिए लगाया गया है ताकि इनकी कड़वाहट अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अब एक बर्तन में तेल गरम करके 4 कटी हुई प्याज इसमें डाल देंगे और इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन फ्राई होने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और फिर इसको थोड़ी देर प्याज के साथ फ्राई करेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे प्याज के साथ, तो इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें पिसा हुआ खोपरा, पिसे हुए तिल, पिसी हुई खसखाश को मैंने अच्छी तरह से धो लिया और इसकी मिट्टी निकाल दी है, पिसी हुई मूंगफली, इमली का पल्प, और थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये सब चीज़ें जब फ्राई हो जाएंगी तो हम इसमें 1 प्याली दही की भी ऐड कर देंगे। दही से इसमें और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। दही के बाद हम इसमें 1 चम्मच कीमा मसाला भी डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जब ये सारी चीज़ें थोड़ी देर फ्राई हो जाएंगी तो हम इसमें कीमा धो के डाल देंगे। और कीमे को इन सब चीज़ों के साथ उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक तेल ऊपर ना आ जाए और कीमा अच्छी तरह से गल ना जाए। कीमा अच्छी तरह से गल चुका है और तेल भी ऊपर आ गया है। अब आधा कीमा हम करेलों को भरने के लिए निकाल लेंगे और आधा कीमा हम बर्तन में ही रहने देंगे। चार घंटे के बाद मैंने करेले निकाल लिए हैं और इनको अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। अब हम इनमें कीमा भरना शुरू करते हैं। कीमा करेले में बड़ी एहतियात से भरना है और बाहर ना निकले बिल्कुल भी, और इसको अच्छी तरह से दबा दबा के हम इसको टाइट कर लेंगे और इसमें हम धागा लपेटते जाएंगे कि कहीं कीमा बाहर ना निकल आए। और इसी तरह से हम सारे करेलों को एहतियात से कीमा भर के और धागे से लपेट के रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके हम इन करेलों को एहतियात से फ्राई करेंगे। आधा कीमा जो मैंने बर्तन में ही रहने दिया था उसको मैंने डिश आउट कर लिया है और उस पर हरी मिर्च काट के डाल दी हैं। अब करेलों को हम फ्राई होने के बाद इनके ऊपर रखते जाएंगे। फ्राई होने के बाद करेले अच्छी तरह से गल चुके हैं और इसलिए मैंने इनको और नहीं पकाया है।
तो व्यूवर्स, हमारे मज़ेदार कीमा भरे करेले बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग इनको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।